जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो टैबलेट और स्मार्टफोन को लेके एक नया न्यूज निकल के आया है मुरादाबाद से कि जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं सभी को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए न्यूज़ निकल के आया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, जिनको भी स्मार्टफोन या फिर टैबलेट मिलने वाला है उनको मिलेगा, क्योंकि सरकार तो चेंज हुई नहीं, वही सरकार है जो पहले थी। ठीक है, चुनाव के पहले जो सरकार थी वही सरकार फिर चुनाव के बाद भी है, इसलिए सभी लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। वो कब से वितरित होगा और कैसे होगा इस वीडियो में समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शेष बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने वाला है। ये न्यूज है आपका मुरादाबाद का, तो हम लोग देखते हैं क्या न्यूज में आया है। यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट और स्मार्टफोन जल्द बटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुरादाबाद का न्यूज है निकल के आ रहा है। इस बार मुरादाबाद में करीब 21,000 मेधावियों को स्मार्टफोन और टैबलेट जल्द मिलेंगे। चुनाव के पहले आनन फानन 2,000 लोगों को वितरण किया गया था। एक भव्य कार्यक्रम होना था और मुख्यमंत्री के हाथों लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे जाने थे। ठीक है, मुरादाबाद में भी कार्यक्रम होने वाला था आपका, जो भी आपके सीएम थे उनका। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया था चुनाव की वजह से। इसके बाद चुनाव के बाद ये सारा कार्यक्रम होगा, इसके बाद देख सकते हैं, पर वितरण नहीं हो सका, इस बार भव्य आयोजन होगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं, इसके लिए तिथि का निर्धारण किया जाना शेष है। मुरादाबाद के अफसरों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। अभी इस सेक्शन में 9,000 लोगों को टैबलेट और 12,000 छात्रों को स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि तिथि तय करने के लिए जल्द बैठक होगी। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव आचार संहिता की वजह से कार्यक्रम आगे बढ़ गया था। इस बार भव्य आयोजन के साथ मेधावी छात्र छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की तैयारी की गई है। एक बड़े संस्थान पर भव्य आयोजन किया जाएगा जहाँ बच्चों को दोनों सामग्री का वितरण किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ तो मुरादाबाद का है लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बचे हुए हैं जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं मिला है, वो यूपी के किसी भी कॉलेज के हों किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, जिनको नहीं मिला है उनको जल्द ही मिलने वाला है जो स्मार्टफोन और टैबलेट है। क्योंकि ये न्यूज़ जो है मुरादाबाद की है, मुरादाबाद का ये न्यूज़ निकल के आया है। लेकिन ऐसा कुछ कहा जा रहा है, न्यूज़ ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि यूपी के सभी स्टूडेंट्स को जिनको नहीं मिले हैं स्मार्टफोन और टैबलेट उन सभी को मिलेगा, बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ठीक है ना, तो यही यही था आज का न्यूज़ जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था कि आपका जो टैबलेट स्मार्टफोन है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाएगा, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।